नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि योगा क्या होता है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। हम जानते हैं मीनिंग ऑफ योगा, योगा क्या होता है। पतंजलि में योगा के बारे में बताया गया है कि चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। पतंजलि में क्या कहा गया है, चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। महर्षि वेद व्यास ने क्या बताया योगा को, महर्षि वेद व्यास ने बताया है कि योगा इज अटेनिंग द पोज। महर्षि वेद व्यास ने बताया कि योगा इज अटेनिंग द पोज। अब स्वामी संपूर्णानंद ने क्या बताया योगा को, स्वामी संपूर्णानंद बताते हैं कि योगा क्या है, स्पिरिचुअल काम धेनु गाय जैसे योगा है। स्वामी संपूर्णानंद बताते हैं योगा इज ए स्पिरिचुअल काम धेनु। अब उसके बाद अगम क्या बताते हैं योगा के बारे में, अगम बताते हैं कि द नॉलेज अबाउट शिवा एंड शक्ति इज योगा। अगम कह रहे हैं कि द नॉलेज अबाउट शिवा एंड शक्ति इज योगा। श्री भारती कृष्णा जी क्या बताते हैं योगा को, वननेस ऑफ मैन विथ गॉड इज नोन एज योगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा पे क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है योगा का, योगा क्यों करना चाहिए। पहला इम्पोर्टेंस हमारा फिजिकल प्योरिटी होता है योगा करने से, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो जो होते हैं क्लीन होते हैं। नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंस, क्योर एंड प्रिवेंटिव प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। योगा करने से जितने भी प्रकार के डिजीज होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं हमारी बॉडी में वो क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं। तीसरा हमारा टॉपिक क्या है, रिड्यूस मेंटल टेंशन। योगा करने से हमारा मेंटल टेंशन जो होता है वो रिड्यूज होता है। चौथा हमारा है हेल्दी बॉडी, पर डे योगा करने से, डेली योगा करने से हमारी बॉडी जो होती है वो हेल्दी होती है। एंड पांचवा हमारा क्या है, प्रोवाइड रिलैक्सेशन। एंड छठवा हमारा क्या है, इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ हमारी इम्प्रूव होती है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करिए या रेगुलर योगा करिए तो हमारा जो है हेल्थ स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होता है। और सबसे लास्ट क्या है इम्पोर्टेंस योगा करने से, रिड्यूज ओबिसिटी, हमारी बॉडी की मोटापा जो है वो रिड्यूज होती है, ओबिसिटी से बचा जा सकता है योगा करके। ये तो हो गया मीनिंग ऑफ योगा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एलिमेंट्स ऑफ योगा, कितने एलिमेंट्स होते हैं योगा। पतंजलि में योगा के 8 एलिमेंट्स के बारे में बताए गए हैं, पतंजलि द्वारा योगा के 8 एलिमेंट्स को बताए गए हैं। पहला हमारा एलिमेंट्स यामा है, दूसरा नियामा है, तीसरा आसना है, चौथा प्राणायामा है, पांचवा प्रत्याहारा है, छठवा धारणा है, सातवां ध्याना है एंड आठवां समाधि है। ये 8 एलिमेंट पतंजलि द्वारा बताए गए हैं। एलिमेंट्स ऑफ योगा के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, योगा फॉर प्रिवेंटिंग ओबिसिटी। अगर हमें ओबिसिटी है तो कौन कौन सा योगा करेंगे जिससे ओबिसिटी कंट्रोल में रहे, मतलब अगर कोई मोटा आदमी है तो उसको कौन कौन सा योगा करना चाहिए। तो सबसे पहले योगा हमारा है ब्रिजासना। ब्रिजासना कैसे करते हैं, इन दिस आसन वी सिट विथ फ्लैट लेग विथ हैंड आर ओवर नी एंड बैक स्ट्रेट बॉडी रेस्टिंग ओवर द एंकल। अब ब्रिजासना करने से क्या क्या बेनिफिट है, पहला बेनिफिट तो मेन ये है कि ओबिसिटी कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल ओबिसिटी। दूसरा आपका इंप्रूव लेग्स मसल्स, आपके लेग्स मसल जो हैं वो इंप्रूव रहेंगे, वो सही रहेंगे। और फिर सेकंड योगा आपका क्या है, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन कैसे करते हैं, फीट ए पार्ट ट्राई टू टच अपोजिट हैंड टू फूट वाइल अदर हैंड इज रेस्ट अप एंड लुक अपवर्ड। अब बेनिफिट क्या है त्रिकोण आसन करने से, सबसे मेन बेनिफिट तो है रिड्यूज ओबिसिटी, आपकी ओबिसिटी जो है रिड्यूज होगी। इम्प्रूव लेग फ्लेक्सिबिलिटी, आपके लेग की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। और भी अनेक बेनिफिट्स हैं। तीसरा आपका है हलासना। हलासना को कैसे करते हैं, फ्रॉम लाइन पोजीशन लेट जाएंगे, स्टार्ट
राइजिंग द लेग्स, अपने लेग्स को ऊपर उठाना स्टार्ट करेंगे सो डैट दे टच द सरफेस बिहाइंड द हेड, और तब तक ऊपर अपने नीचे लेट के अपने दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएंगे, तब तक पीछे ले जाएंगे जब तक हेड आपका लेग्स जो है दोनों आपके हेड को टच ना करें। तो इसी को हलासना कहा जाता है। इसको करने से क्या क्या बेनिफिट होता है? मेन बेनिफिट तो है कंट्रोल ओबिसिटी होता है, इम्प्रूव आई साइट होता है, क्योर बैक पेन, अगर आपको बैक पेन है तो हलासना करिए, बैक पेन सही हो जाएगा, और आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो हलासना करने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही हो जाता है।